आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। भारत में कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गत 25 मार्च से 21 दिनों के लिए 14 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित किया गया था। वहीं इस लॉकडाउन को अब 19 दिन बढ़ाते हुए 3 मई तक कर दिया गया है। इंदौर में जिला प्रशासन द्वारा कर्फ्यू लगाया गया है। प्रशासन द्वारा लोगों से अपने अपने घरों में रहने की अपील की जा रही है, किंतु अभी भी शहर में बड़ी संख्या में एक ऐसा वर्ग मौजूद है जो वर्तमान स्थिति में निरंतर अपने हौसले खोता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं शहर में बाहर से आने वाले उस मजदूर वर्ग की, जो वर्तमान कोरोना संक्रमण काल में इंदौर की फैक्ट्रियों और कंपनियों में फंस गया है। ऐसा ही एक मामला सुपर कॉरिडोर की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का सामने आया है, जहां पर बिहार एवं झारखंड से आए हुए 250 से अधिक मजदूर लॉकडाउन के कारण परिवार से दूर रहने को मजबूर है। हालांकि यहां पर मजदूरों को खाने एवं रहने की समस्या नहीं है, किंतु लंबे समय से परिवार से दूर रहने के कारण उनकी हताशा बढ़ती जा रही है। ऐसे कुछ मजदूरों ने बाणगंगा कुशवाहा नगर वार्ड क्रमांक 17 के ऋषि नगर में निवासरत समाज सेवी विनोद शर्मा को अपनी पारिवारिक समस्याएं बताते हुए उनकी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का निवेदन किया। श्री विनोद शर्मा ने क्षेत्र के विधायक संजय शुक्ला को भी मजदूरों की समस्या बताई तथा शासन प्रशासन से भी निवेदन किया कि यह सभी मजदूर अपने वाहनों से अपने घर जाना चाहते हैं। प्रशासन इनकी शारीरिक जांच करके सोशल डिस्टेंस के तहत एक सीट पर एक मजदूर को जाने की अनुमति प्रदान करें, जिससे मजदूर अपने माता पिता, पत्नी एवं बच्चों के बीच जा सके, क्योंकि पूर्व में 14 अप्रैल तक के लॉकडाउन के कारण यह लोग घर नहीं जा पाए थे। बाद में उन्होंने सोचा कि 14 अप्रैल के बाद घर चले जाएंगे, किंतु बाद में लॉकडाउन अवधि बढ़ने के कारण अब इन्हें इनके परिवार की व परिवारजनों को इनकी चिंता सता रही है। अतः मध्य प्रदेश शासन एवं इंदौर जिला प्रशासन इन्हें निर्धारित मापदंडों को पूरा करवाकर अपने अपने क्षेत्रों में भेजने की अनुमति प्रदान करे। अपने इंदौर क्षेत्र में सुपर कॉरिडोर जगह है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसमें बिहार प्रदेश के 200 से 250 मजदूर कार्यरत थे। अब प्रदेश में न कि बल्कि पूरे देश में कोरोना का महामारी फैली हुई है। इस कारण से पूरे मजदूर का में दहशत फैला हुआ है। इनके परिवार बिहार प्रदेश में रहते हैं और ये लोगों का एक भय बना हुआ है कि हम लोग भी शासन के अनुमति के द्वारा अपने प्रदेश, अपने गांव घर में चले जाएं, अपने परिवार में जाएं और अच्छे से रहें, जिससे कि इनके परिवारों के बीच में भी माँ पिता और पत्नी का फोन आता रहता है इन लोगों के पास में। ये लोग भी पूरी तरह से घबराए हुए हैं। वो चाहते हैं कि शासन हमें मदद करे और जो भी शासन के नियमानुकूल है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हम अपने घर को पहुंच जाएं। और अभी फिलहाल 2 या 3 महीने, जब तक से ये महामारी ख़त्म न हो जाए, हम अपने गांव में घर परिवार के साथ ही रहें। अब इस कंपनी में जो काम कर रहे थे, इनके जो कॉन्ट्रैक्टर है, हमारे संपर्क में आए तो हमने इनको एक आश्वासन दिया कि ठीक है, हम शासन से आपकी बात को रखेंगे और आपको जहाँ तक हो सके मैं आपकी मदद करूँगा। और मैं अब शासन से यही अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ इंदौर शासन से कि इनको मदद किया जाए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए। इनकी वाहन भी इनके पास में है और कलेक्टर से अनुमति प्रदान करवा करके इनको अपने बिहार प्रदेश से अपने घर पहुंचाने के लिए मदद किया जाए, यही शासन से हमारी। सर, ये कंपनी में जो भी कंपनी की ओर से मजदूरों की सुविधा दी जानी है वो पर्याप्त मात्रा में कंपनी की ओर से दी जा रही है। राशन, खाने पीने की सामग्री एवं इनको रहने के लिए भी दी जा रही है, परंतु ये लोग चाह रहे हैं कि
हम लोग अपने घर पहुंच जाए, इसलिए ये लोग शासन से अनुमति चाह रहे हैं। चूँकि महामारी के चलते सरकार की ओर से लॉकडाउन की व्यवस्था 14 अप्रैल तक रखा गया था, इसके बाद में लॉकडाउन बढ़ा करके 3 मई तक हो गया है, इसलिए अब इनका एक भय बना हुआ है कि कहीं आगे ना और 3 मई के बाद बढ़ जाए तो हमें यहाँ परेशानी और उठानी पड़ेगी। इसलिए अब ये लोग चाह रहे हैं कि हमारी कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हम अपने घर परिवार में चले जाएं और अच्छे से रहें। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज़।